सबसे पहले नमस्ते, मैं किरण बोडोनी आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल में। आज मैं बनाने जा रही हूँ ब्रेड की आलू टिक्की। आलू ब्रेड की टिक्की के लिए मैंने क्या कर रखा है, ये है ब्रेड और ये है आलू, और इसमें मैं डालूँगी ये धनिया और नमक, मिर्च, कश्मीरी मिर्च हैं लाल, और ये हल्दी, और ये पानी डिप करने के लिए ब्रेड को। तो अब मैं जो हूँ सबसे पहले क्या करूँगी, आलू को मसल दूंगी इस तरह से, और धनिया को भी बारीक बारीक कट कर दूंगी। इसमें जो हरी मिर्च भी काट के डाल सकते हैं। आलू मैंने मसल दिए हैं, अब मैं जो हूँ बारीक बारीक धनिया कट कर दूंगी इसमें। मैंने कट कर दिया, अब मैं जो है अपने स्वाद अनुसार जो हूँ नमक डालूंगी, मिर्च डालूंगी, हल्दी डालूंगी, और ये कलर देने के लिए मैं जो हूँ कश्मीरी मिर्च डालूंगी थोड़ा, और इनको मिला लूंगी। ये आलू मैंने जो है पहले ही उबाल दिए थे, और उबाल के ठंडे करे हुए थे मैंने, तब मैंने जो है इसमें धनिया और मसाले मिला के और ये आलू मसाला बना दिया है ब्रेड के लिए टिक्की बनाने के लिए। क्या करूँगी, इनके जो हैं ब्रेड के जो हैं ये किनारे किनारे से ये कट करूँगी। इनको हटा दूँगी। ऐसे ही सबकी हटा दूंगी, ये ब्राउन ब्राउन से हटा दूंगी। मैंने सब जो हैं ये पूरे ब्रेड के ये किनारे किनारे से कट कर लिए हैं, और अब मैं क्या करूंगी, इनको हल्का हल्का पानी में डिप करूंगी और पानी इस तरह से हटा दूंगी। उसके बाद इसमें मैं ये मसाला भरूंगी इस तरह से, और इस तरह से पैक कर लूंगी। इस तरह से इन्हें हल्के हाथ से प्रेस कर लेंगे। ऐसे ही फिर दूसरा भी कर लूंगी और पानी हटा लूंगी पहले। इस तरह से हल्के हाथ से प्रेस करेंगे। इसी तरह से सारे मैं बना लूंगी।
इस तरह से सभी को बना लें। ऐसी मैंने जो है कढ़ाई गरम करने के लिए रख दी है और उसमें मैं तेल डालूंगी गरम करने के लिए। तेल कोई सा भी हो, रिफाइंड हो, सरसों हो, उसमें आप बना लें। और जैसे ही तेल गरम होगा इनको मैं एक एक करके तलूंगी। और अब मैं जो हूँ इनको एक एक करके तलूंगी। अब हमारा तेल गरम हो गया है और अब मैं इनको एक एक करके तलूंगी। इस तरह से तेल को अच्छी तरह गरम होने दे और फिर तलें। और मैंने ये दूसरी तरफ भी पलट दिया है इस तरह से। मीडियम आंच में बनाएं इनको। जैसे इसमें सुनहरे बनाए वैसे इनको निकाल लें। ये क्रिस्पीपन आ गया इनमें और फिर दूसरी भी इस तरह से तल लेंगे। इसी तरह से इसको भी हम पलट लेंगे। इसी तरह से मैं सारे बना लूंगी। इस तरह से मैंने ये सारे तल लिए हैं। ये बन गई हमारी क्रिस्पी क्रिस्पी आलू ब्रेड टिक्की। मैंने इसमें टमाटर की चटनी बना रखी है। आप दही में भी इन्हें ले सकते हैं। अगर मेरी रेसिपी पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।